How are you all? Hope all are well. Welcome back to my channel, Twin Avnianika. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनियनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए हम आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज से जो है अमन अवनियनिका के स्कूल ओपन हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं। मतलब क्योंकि अभी स्कूल तो वैसे 1 अप्रैल से ओपन हो चुके थे, अवनियनिका के 5 अप्रैल से ओपन हो चुके थे, लेकिन अभी ये 1 वीक उनको हॉलीडे मिला था क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो रही थी। 42-43 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ का, तो अभी 1 वीक के लिए छुट्टी दी गई थी। अब आज ये मंडे से फिर स्कूल फिर से लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो देखते हैं कब तक लगते हैं मतलब। और बस आज हम लगे हुए हैं उन्हीं की तैयारी में ही। तो बस इस तरह से देखिए, मैंने तीनों का बैग रेडी करके है। भैया ने तो अपना बैग खुद ही रेडी कर लिया है, खुद ही वो अपना जमा लेता है बैग पर। हाँ, अब इनका का बैग मैंने रेडी कर दिया है और इस तरह से तीनों का बॉटल भर के रख दी है। और अभी निका को टिफ़िन भी रखना होता है तो आज उनको प्राइम्स रख दिए हैं। भैया का 11 बजे टिफ़िन होता है तो वो हम देने जाते हैं उसी टाइम पर। और बस शूज़ वगैरह पॉलिश कर लिए हैं, ये देखिए शूज़ तीनों के पॉलिश हो गए हैं। और भैया भी अब बस बैठा है, रेडी ही होगा। उन लोगों की ड्रेस में प्रेस करना है तो इस तरह से अब प्रेस का काम स्टार्ट हो रहा है। तो बस चलिए आज मतलब जो है आज से स्कूल लाइफ फिर से स्टार्ट होगी। 1 हफ्ते बहुत घर में मस्ती कर ली है तीनों ने। और बस चलिए, तो हम अभी इन लोगों की तैयारी कर देते हैं और फिर आगे आगे मिलते हैं। अभी जो है अमन नीचे रेडी हो रहा है, जब तक जो है मैं आज यहाँ पर आई हूँ। ये देखिए पेड़ में जो आप आम देख रहे हैं वो मैं तोड़ने आई हूँ, क्योंकि से आज मैं बनाने वाली हूँ इनका अचार। तो बस फटाफट से हम जब तक आम तोड़ लेते हैं और फिर हम बनाएंगे। आज बच्चे स्कूल जाएंगे तो टाइम भी अच्छे से मिल जाता है, इस तरह से मैं आम बनाऊँगी, अचार बनाऊँगी आम का। तो चलिए हम आम तोड़ते हैं।
लाए हैं तो इससे पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए क्योंकि अभी नल आ ही रहे हैं पीने वाला पानी का, तो ये इनको अच्छे से हम धो लेते हैं। तो इधर इसको अच्छे से रख देंगे, फिर बाद में हम इसको बनाएंगे। टाइम हो गया है, रेडी भी हो गया है और बस अब वो निकलने ही वाला है। थोड़ी सी उसको सर्दी लग रही है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा टब में धूप में वो उसमें नहाए हैं, जो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। और मैंगो भी बहुत खाया है, नई मैंगो शेक साथ में मैंगो। तो चलिए भैया को हम छोड़ते हैं, तो बाय करते हैं और उसके बाद फिर हम अभी अनिका को उठाएंगे, उनको रेडी करेंगे। चलो बाय भैया। टिफिन टाइम पर भी ले आएंगे वो, हमने बच्चे वाली मैं टिफिन एक बार है ना। तो अमन के स्कूल जाने के बाद मैंने है अभी अनिका को उठाया। तो ये देखिए अभी अनिका दोनों उठ गए हैं, ये अनिका लेटी हुई है और ये लेटी हुई है सोफे में। अवनी दोनों का ब्रश हो चुका है और हाथों में आ गए हैं मोबाइल सोते सोते उठते के साथ, ये जरूरी है ये डोज, नहीं तो ना तो नींद आती है ना तो सुबह की शुरुआत होती है। और बस इस तरह से दोनों का ब्रेकफास्ट रेडी है। एक खाती है दूध बिस्किट और एक लेती है दूध ब्रेड। तो इस तरह से अब दोनों को मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ और फिर रेडी करूँगी स्कूल के लिए और हम इनको स्कूल छोड़ के आएंगे। फिर देखिए अभी अनिका हो गई है रेडी स्कूल जाने के लिए। अनिका अनी हेलो बोलो। और ये हो गई है अवनी भी रेडी, हेलो। तो चलिए बस अब हम चलते हैं और इनको स्कूल ड्रॉप करके आते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आम जो हमने काटे हुए थे, अब इनको हम कट करके रख लेते हैं। कट करने के बाद हम इसमें हल्दी और नमक लगाकर रखेंगे अच्छे से। तो चलिए ये देखिए अब मैं इन सारे आमों को कट कर लेती हूँ। तो अब इस तरह से मैंने आधे आम काट लिए हैं, आधे नहीं काटे हैं, कुछ चटनी बनाने के लिए कुछ पना इस तरह से रख लिए हैं अभी। और इस तरह से अब इसमें जो है ये जो आम काट करके रखे हुए हैं अचार के लिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और साथ में नमक डालकर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। तो ये इस तरह से देखिए हल्दी नमक मैंने डाल लिया है। फिर अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देना है। तो इस तरह से देखिए सभी मिक्स कर लिए हैं मैंने, करीब एक घंटे हो गए हैं। तो ये देखिए किस तरह से हो गए हैं ये आम जो हमने ढक के रख दिए थे हल्दी नमक लगाकर। और इस तरह से मैंने ना मसाला मंगा के रखा है, ये रेडीमेड मसाला मिलता है बाज़ार में, तो यहाँ नहीं मिलता है, हम अपने घर से लेकर आए हुए थे। तो उसमें ये मसाला रेडी रहता है और नमक रहता है साथ में। तो ये देखिए मैंने सरसों का ऑयल जो है उसको गर्म होने रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे लौंग, थोड़ी सी सौंफ। इस तरह से गरम होने पे जब अच्छा गरम हो जाए, बिल्कुल भाप निकलने लगती है ना, तब उस पे हम उस टाइम पे हम इसको गरम होने के बाद लौंग सौंफ डाल के ये मसाला डालेंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं अचार में। तो इस तरह से सब मिला के हम इसको मिक्स कर देंगे। ये मसाला थोड़ा ठंडा होने के बाद हम उसमें फिर ये वाले जो आम हैं, थोड़ा सा उसका जो पानी जो छोड़ा है आम में ना, वो उसको निकाल लेने के बाद हम इसमें वापस इस मसाले में डालेंगे और आपका जो अचार का मसाला है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अभी तो ठंडा हो गया है, थोड़ी देर हमने रख दिया था इसको ठंडा होने के लिए। इस तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम जो इसमें मैंने आम जो है जिसका पानी थोड़ा सा हमने निकाल दिया है, जो निकल आता है नमक वो डाल के हम रखते हैं, उससे जो पानी निकलता है वो निकाल के फिर साथ मिक्स कर दिया। तो ये देखिए आपका जो अचार है वो रेडी है खाने के लिए। ये बहुत जल्दी बन जाता है और काफ़ी अच्छा टेस्टी भी लगता है। तो इस तरह से बस देखिए अचार 2 मिनट में रेडी हो गया। फिर आज है मंडे, तो आज मैं मतलब मंदिर तो मैं रोज़ ही जाती हूँ शिव जी के, लेकिन आज पूरा उनका अभिषेक करती हूँ क्योंकि व्रत रहता है। तो इस तरह से चलिए हम अब चलते हैं मंदिर और पूजा करके आते हैं। आ गए स्कूल से हैं? अरे कैसे फिर सही कर लिया था मैडम ने देख लिया था
आपको कैसे पता चला था? अच्छा, देख के समझ गई। अच्छा, मैम को बुक दी जब देखी, मैम तो कुछ नहीं बोली। हाँ, टिफिन तो सही रखा था, टिफिन तो आपका आपके में था और अवनी का अवनी के में, है ना? कैसे होगा? अच्छा, सुबह हमने जो बैग जमाया है ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तब हो गई है वो गलती। वाओ, पूरा फिनिश किया आपने, मजा आई। रुको, मैं कर दूंगी अभी अभी, हम कर देंगे। आपने नहीं खाया, थोड़ा सा खाया नहीं पसंद, चलो टेबल पे रख दो लंच बॉक्स, चलो हम कर दे रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, आज मुझसे हुई गलती, अवनी के बैग में अनिका की बुक्स रख दी और अनिका के बैग में अवनी की बुक्स रख गई और इस तरह से बैग स्कूल चले गए। पता नहीं कैसे मुझसे गलती हो गई, चलिए ध्यान नहीं रहा होगा, पर दोनों ने पता नहीं कैसे पढ़ा है, लिखाया भी है आज, चलो हम दिखा रहे हैं। मजा आई आज इतने दिनों बाद स्कूल गई तो नहीं आई मजा? नहीं आई, चलो ठीक है, वो अपनी बुक ढूंढने में लगी इसीलिए उसको मजा नहीं आई। चलिए ठीक है, इन लोग के अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। और बस अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या करना होगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे चैनल ट्विन ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय कर दो। तो आज मूड ख़राब है क्योंकि बुक्स चेंज हो गई हैं, तो देखती हूँ कैसा क्या हुआ है आज।